नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ऑप्टोमेटर हिंदी स्पेशल में। तो आज आपको बताने वाले हैं कि बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस क्या है। तो आज हम बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होते हैं उसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन आज हम एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस क्या है, उसके क्या साइन है, क्या सिम्टम है, और एक पेशेंट समय पे उसका इलाज नहीं लेता है तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और उस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, कौन सी ड्रॉप दी जाती है, कौन सी ऑइंटमेंट दी जाती है, कौन सी टेबलेट दी जाती है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कंजंक्टिवाइटिस क्या है और उसकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं और उसको क्या सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे आप दबा दें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दें, ताकि जो भी हमारा कोई नया टॉपिक आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। शुरू करते हैं बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस क्या है। तो जब कंजंक्टिवा हाइपरेमिया आंख से म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज आता है तो उसको एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, और इसे एक्यूट म्यूकोप्यूलेंट कंजंक्टिवाइटिस भी कहते हैं। और एक्यूट बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस कंजंक्टिवाइटिस का बहुत ही कॉमन टाइप होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके सिम्टम क्या है। तो वह पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, यानी कि उस पेशेंट के बेचैनी आ जाती है, उसकी आंख में फॉरन बॉडी सेंसेशन होता है और उसका विजन है वह ब्लर हो जाता है, और एक कंजंक्टिवा का रेडनेस होना कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा उस पेशेंट को फोटोफोबिया हो सकता है, यानी कि उस पेशेंट को लाइट को सहन करने में कठिनाई होती है। आंख में म्यूकोप्यूलेंट डिस्चार्ज होता है, वो नींद के दौरान डिस्चार्ज से दोनों आईलिड के जो मार्जिन होते हैं वे आपस में चिपक जाते हैं। कॉर्निया का जो इंटीरियर सरफेस है उसके आगे म्यूकस आने से उसका विजन ब्लर हो जाता है। तो यह सिम्टम एक कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट में देखे जाते हैं। अब इसके साइन क्या होते हैं, कैसे पहचान करें कि यह कंजंक्टिवाइटिस है। जो फोर्निक्स कांति होती है और लीड मार्जिन होता है उसमें क्या है, म्यूकिस जमा हो जाता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है। कंजंक्टिवा कंजेशन जो पल्पेब्रल कंजंक्टिवा फोर्निक्स और बल्बर कंजंक्टिवा के पेरिफेरी में अधिक होता है, जो कि रेडनेस का रूप ले लेता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और जब स्लिट लैब से एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो कंजंक्टिवा होती है उसमें स्वेलिंग देखी जाती है, और जो आईलिड है उसमें भी स्वेलिंग देखी जा सकती है। तो यह कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट में साइन देखे जाते हैं। तो अब आगे है कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट कंजंक्टिवाइटिस का समय पे इलाज नहीं लेता है तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो उस पेशेंट को सुपरफेशियल पंक्टेट इफिथिलियोपैथी हो जाता है, मार्जिनल कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाता है, सुपरफेशियल केराटाइटिस हो सकता है, ब्लेफराइटिस हो सकता है, तो यह सब कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक कंजंक्टिवाइटिस पेशेंट को स्लिट लैब पे एग्जामिनेशन करके उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो मेरे द्वारा बताए गए ट्रीटमेंट को आप पेशेंट पे यूज़ नहीं करें। तो चलिए आप ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताते हैं। तो टॉपिकल एंटीबायोटिक में हम पेशेंट को जेंटामाइसिन 0.3%, टोब्रामाइसिन 0.3%, इन दोनों में से एक ड्रॉप, और इन आई ड्रॉप की जो डोज है एक एक बूंद दिन में 6 या 4 बार डाली जाती है, और इसके साथ में एक मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ऑइंटमेंट दिया जाता है जो कि सोते समय आंख में लगाना होता है। तो यह सब ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है। तो इन ट्रीटमेंट से अगर पेशेंट को आराम नहीं आता है तो उसको मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% दिया जाता है, और उसके साथ में एक मोक्सीफ्लोक्सासिन आई ऑइंटमेंट दिया जाता है जो कि सोते समय आंख में डालना होता है, और इसके अलावा उसको एक डार्क गॉगल्स दिया जाता है। तो दोस्तों, किसी पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो उसको कभी भी NSAID नहीं दी जाती, यानी कि उस पेशेंट को कभी भी स्टेरॉइड आई ड्रॉप नहीं दी जाती, और उसे आप स्टेरॉइड ड्रॉप ना दें। और अगर पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है तो उस पेशेंट को हम ओरली एंटी इन्फ्लामेटरी टेबलेट दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी टेबलेट में हम आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल टेबलेट उसको दे सकते हैं 3 दिन के लिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।